पता है भाभी, आप वो वीडियो डालते हो ना, लोकेशन बहुत अच्छी लगती है। तो आइए आएंगे, बनाते हैं प्लान। आइए, बोल रही है कि आ जाइए छुट्टी लेकर, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, अब वो भी है। ओ, तुम वीडियो क्यों बना रहे हो? वीडियो है, क्या कर रही हो तुम? हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्टिंग्स ऑफिशियल। तो इधर करिए कैमरा। आज मेरे पति देव जो हैं वो मुझे दे रहे हैं पार्टी, है ना? मजाक। मुझे दे रहे हैं पार्टी। वो देखिए, ये बन रहा है रबड़ी फालूदा। तो अभी जो है हम लोग ऑफिस से आ रहे थे और बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो मैंने इनको बोला मुझे फालूदा खिला दो, बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये देखिए आ गया हमारा ठंडा ठंडा रबड़ी फालूदा, है ना भैया? ये रबड़ी फालूदा। और तुम कौन सा खाओगे? आप इसे खा के देखो पहले। ये तो बहुत ज़्यादा, ओ माय गॉड। भैया टिश्यू पेपर दे देना। क्यों ये पिघल क्यों गया है? इतना पिघल क्यों गया है? जी कैसा है? यम्मी। वैसे तो डाइटिंग चल रही है तुम्हारी, है ना भाई? ये फालूदा है, ये कोई चाइनीज फूड या कुछ ऐसा चीज़ नहीं है, लाइक मैदा वगैरह नहीं है। ये फालूदा तो खा लेते, और ये कौन सा मीडाम लोग रोज खाते हैं। आज इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना फ्रेंड्स, क्या बताऊँ। तो मन भी होता और थोड़ा कलेजे को ठंडक मिलनी चाहिए, तो फालूदा ही खाया जाए, इसलिए खा रही हूँ। अच्छा, ठंडा पानी भी तो दे देता कलेजे को ठंडक। अरे भैया रास्ते में ठंडा पानी नहीं दे सकते। ठंडा पानी नहीं, खाते पीते रहना चाहिए। अच्छा, ठीक है। हमारा जो बॉडी है ना, उसको कभी ना कुछ ना कुछ ना उसके अंदर डालते रहना चाहिए। दिख रहा है। ताकि जो हमारा जो शरीर है वो हष्ट पुष्ट रहे। अच्छा। ठीक है, हेल्दी खाना चाहिए, तो ये हेल्दी है बहुत ज़्यादा। चलो खाओ खाओ खाओ। हेलो फ्रेंड्स, सो अभी हम लोग आ चुके हैं घर पे, और अभी जो है मैं फ़्रेश होने के लिए आ गई हूँ अपने रूम में। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, उमस बहुत ज़्यादा है, बारिश हो के फिर जो है बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लग जाती है, तो बड़ा ही अजीब सा लग रहा है, चिपचिपा सा। तो काफ़ी दिन हो गए हैं आज प्रिंस भैया और भाभी को गए हुए, तो सोच रही हूँ अभी जो है उनसे पहले वीडियो कॉल करके बात करूँ, फिर उसके बाद जो मैं अपना डेली का जो रूटीन है उसको स्टार्ट करूं, क्योंकि रात तो हो ही जाती है मैं ऑफिस से आते आते, और फिर काम वगैरह में लग जाते हैं। तो मैं सोच रही हूं पहले वीडियो कॉल पे आज बात करती हूं और देखती हूं कहां है, कहां पहुंचे हैं। और वैसे व्लॉग वगैरह तो मैंने उनके देखे हैं, और शायद हिमाचल गए हुए हैं अभी, तो अभी चलो वीडियो कॉल पर करते हैं बात। भाभी नमस्ते, कैसे हो? ठीक हूँ, आप बताओ? मैं भी बढ़िया बढ़िया। क्या बना रहे हो अभी? मैं तो कचौड़ी और खीर और सब्जी। पता है भाभी, प्यारी लग रही हूँ येलो सूट में। हाँ, आज बोले कि अभी तो साड़ी पहन रहे थे। कौन सी कचौड़ी, दाल वाली या फिर वो आलू की? आज थोड़ा सा मैं डाले हैं। अच्छा, वाह सही है। पता है बहुत याद आती है यार आपकी। मुझे भी बहुत। पता है भाभी, आप वो वीडियो डालते हो ना, लोकेशन बहुत अच्छी लगती है। तो आइए, आएंगे बनाते हैं प्लान, बनाते हैं। आप कभी आई नहीं यहाँ से? हाँ, पंजाब से जलंधर से शिमला तो मतलब 6 घंटे का रास्ता है। अच्छा अच्छा, ठीक है, ले जाइए, बात कीजिए। कह रही हूँ भैया, अरे वाह क्या बात है, वीआईपी बन रहे हो ना। आपको बोले फोन करने के लिए तो आप आई, आप फोन ही नहीं। मैं
बताओ, आपने बोला खाना खा के करता हूँ, मेरे को तो ये सुनाई दिया। मैंने कहा ठीक है, काट दिया इन्होंने। फिर बोले कि वीडियो कॉल कीजिए ना। नहीं, मेरे को नहीं सुनाई दिया। सो फ्रेंड्स, अभी जो है मैं दिखाती हूँ आपको, प्रिंस भैया और भाभी के बहुत बड़ी फैन। ये देखिए कैसे भैया और भाभी की वीडियो देखने में लगी हुई कंटिन्यूसली। वाह वाह मम्मी वाह, कंटिन्यूसली ये पिछले 20 मिनट से भैया और भाभी के शॉर्ट्स चला के देख रही है। क्या बात है, क्या बात है, सही है। वाह मम्मी, अच्छा लग रहा है, समझ आ रही है आपको भोजपुरी? समझ आ रही है। चलिए देखिए, सही है। तो फ्रेंड्स, अभी जो है मेरी बात हो रही है वीडियो कॉल पे भैया और भाभी से। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में और आपको फाइनली किचन में देखने को मिलूंगी। कुछ नेगेटिव कमेंट्स वालों को शायद आज थोड़ी सी राहत मिल जाए। तो मैं अभी जो है वो खाना लगा रही हूँ मम्मी के लिए, अपने लिए, हस्बैंड के लिए। और आज जो है डिनर में बने हैं मसूर की दाल और चावल। तो चलिए करते हैं खाना सर्व, निकालते हैं। तो लाइए मैं आपको बैक कैमरे से दिखा भी देती हूँ। तो ये है गर्मा गर्म मसूर की दाल और यहाँ पर रेडी है चावल। और यहाँ पे है मेरे प्यारे प्यारे पति देव, जो कि क्या नींबू और नींबू और प्याज लेके जा रहे हैं। पानी भी ले जाइएगा। तो चलिए मैं लगा देती हूँ फटाफट खाना, फिर करती हूँ आपसे बातें। सो गाइस, अभी जो है डिनर वगैरह हो गया है और मैं आ गई हूँ किचन में। तो अभी जो है मुझे ये पूरा काउंटर टॉप गैस वगैरह जो है वो साफ करनी है। और इधर है बर्तन, आज बर्तन जाना है, तो फिर मैं बर्तन वगैरह जो है वो धोऊंगी और उसके बाद जो है वही सोएंगे। और सुबह जल्दी भी उठना होता है क्योंकि ऑफिस वगैरह जाना होता है, तो सुबह जो है भागम भाग रहती है बहुत ज़्यादा। और आज जो है भैया से, भाभी से बात करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और वो जो है मुझे बुला भी रहे हैं कि आप जो है वो शिमला आ जाइए छुट्टी लेके। तो देखती हूँ अभी जो है हस्बैंड से पूछती हूँ अगर वो परमिशन देते हैं जाने की, या फिर खुद भी जाना चाहते हैं साथ में। तो फिर देखते हैं, अगर छुट्टी वगैरह मिल गई तो डेफिनेटली मैं जाऊँगी। क्योंकि हमारा क्या रहता है कि ऑफिस से जो है वो छुट्टी वगैरह मिल पाना बहुत मुश्किल है। और हस्बैंड का तो मतलब मिलना ही पॉसिबल नहीं होता है, बहुत मुश्किल से जो है उनको छुट्टी वगैरह मिलती है। तो भैया भाभी जो है बुला रहे हैं शिमला। तो देखती हूँ, पतिदेव से पूछ के देखती हूँ, मम्मी से पूछ के देखती हूँ, जाने देते हैं कि नहीं जाने देते हैं। थोड़ी सी आवाज़ कम करना टीवी की, रिमोट कहाँ है? पतिदेव जो है यहाँ पे मम्मी की कर रहे हैं सेवा। भाई साहब क्या कर रहे हो? ओफो गुड बॉय, अच्छी बात है। मैं ये कह रही हूँ है ना, अभी जो है शाम को मैं ऑफिस से आई थी ना, तो मेरी भैया और भाभी से बात हुई थी। दिन से भैया? हाँ अच्छा। और भाभी से तो ना वो कह रहे हैं पतिदेव को लेके, सासू माँ को लेके जो है वो आ जाओ आप दोनों भी शिमला। अच्छा तो, हाँ तो क्या कहते हो, चले? मुझे तो नहीं मिलेगी छुट्टी। छुट्टी नहीं हो यार, तुम्हारे तो नहीं छुट्टी का ही बड़ा पंगा रहता है पता है। आप चली जाओ। मम्मी चली जाओ मैं? अरे वाह, देखा फ्रेंड्स, मेरी सासू माँ कितनी कूल है, है ना? सासू माँ को लेके जाओ, सासू माँ कूल है। हाँ तो चले बोला ना मम्मी, मैंने यही बोला ना, क्या बोला, चली जाऊँ? मम्मी को बिना लिए थोड़ा जाऊंगी, है ना? ये मम्मी थक जाती है पता है बहुत ज्यादा। तो क्या हुआ, वहाँ कौन सा चलना है इतना? हाँ ये भी बात सही है। तो आप नहीं जाओगे? मैं क्या करूँगा जाके? अरे मेरे को छुट्टी नहीं मिलेगी ना। पता क्या होता है, हम लोग ग्रुप वगैरह में घूमे ना तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा पता है? तुम शिमला गए हो ऐसे कभी? नहीं कभी नहीं गए हो। मम्मी आप शिमला नहीं गई हो? यार फिर तो जाना बनता है यार, फिर तो फटाफट चलते हैं, मम्मी को भी घुमाते हैं, हम लोग भी घुमाते हैं। वैसे मम्मी आप कहाँ कहाँ घूमी हो हिमाचल में? नहीं वैष्णो देवी तो गई हो ना, पर वो तो जम्मू में है ना। और कितनी बार गई हो वैष्णो देवी? एक बार मम्मी, नोनू का बर्थडे था तब गए थे ना, जब नोनू 5 ईयर के हो गए थे। हाँ मैं नहीं, मैं भी गया था अपने
ऑफिस के लोगों के संग है। और जब जब तुम 5 ईयर के हो गए तो तुम्हें होश थी, मतलब जैसे मम्मी पापा तुम्हें लेके गए हैं? हाँ, इतनी होश थी कि मैं मामा के कंधे पे बैठ के जाता था। वाओ नाइस। तुम थक जाते थे और फिर रोने लग जाते थे? अब मुझे इतनी याद नहीं है। मम्मी रोने लग जाते थे नोनू? नहीं नहीं। वाओ कितना अच्छा लगा होगा ना। मैं भी गई हूँ अपने पापा के साथ, पता है मेरे पापा भी कंधे पे बिठा लेते थे मुझे। तो राजेश जो है ना, तो फोटो भी है पता है मम्मी, मेरे पापा मुझे कंधे पे बिठाए, बड़ा भैया तो कुछ बोलते हैं, राजेश ना चिड़ जाता था, रोने लग जाता था कि मुझे भी बिठाओ। तो चलिए फ्रेंड्स, होती रहेंगी बातें, तो अभी मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में।